हेलो एवरीवन, देखिए अब आरसी सीरीज सर्किट ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे आरएल सीरीज था, इसको भी समझ लेते हैं। देखो आरसी है तो यहाँ पर क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा होगा और एक क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, समझ रहे हो। ये हो गया आर और ये हो गया सीरीज सी और ये हो गया सी, ठीक है। और इसमें भी हमने क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्लियर। और ये हमने ई से इसको लिख दिया, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं। इनके भी फेजर आप बना सकते हो, आर वाले में क्या होगा करंट और ये जो ईएमएफ है ये सेम ही होगा डायरेक्शन में, ठीक है, ईआर और ये वाला आई। और कैपेसिटर के केस में क्या होता है, आपके पास करंट जो होता है वो लीड करता है, तो करंट हम यहाँ बना रहे हैं अगर, तो इसकी जो वोल्टेज बनाएंगे या ईएमएफ बनाएंगे वो नीचे बनेगा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बिल्कुल सिंपल कहानी है, ठीक है। अब देखो ज़रा वही चीज़ हम इसमें भी चलाएँगे। देखो यहाँ भी हमें इम्पिडेंस निकालना है, इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो अगर आपको याद है यहीं पर ही देख लो ज़रा, ये वाला क्या था आपके पास, LCR में बना था। अगर LCR में ये बना था आपके पास तो ध्यान देना XL यहाँ जीरो, जो क्योंकि L है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा डायग्राम, देखो अगर ध्यान से देखो आप, ये वाला हो गया R नीचे और इधर कितना बचेगा, अगर XL जीरो हो गया तो माइनस का X ही बचेगा और ये हो गया यहाँ पर Z, क्लियर। अब देखो अगर इस चीज़ में आप देख रहे हो माइनस X ही ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो माइनस X ही माइनस ऊपर नहीं ले सकते इस तरीके से, क्या करें, इसको नीचे ले जाएँ। तो देखो ज़रा क्या डायग्राम बनेगा यहाँ पर, मैं बनाता हूँ अब आपके पास, ये फेयर हो रहा है इधर, ठीक है। देखो आर इधर है, क्लियर। अब ये एक्स इधर माइनस का है तो माइनस वाला नीचे लेके जाएंगे हम, ठीक है। वैसे भी आपको अगर याद हो इसका जो ये वी सी है, या यहाँ हम इसको ई सी से ही लिख देते हैं, ठीक है, ई सी से, तो ये इसका नीचे ही बनता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये सिंगल ले रहे हैं, अब सी और आर, एल तो है नहीं, नहीं तो एल के साथ ही ऊपर माइनस में हो जाता था, लेकिन ये सिंगल माइनस में ऊपर नहीं रख सकते, इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक्स ही यहाँ पर, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा नीचे, और ये कितना बन जाएगा आपके पास जेड, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें ये चीज़, ठीक है, ये और ये बराबर हो जाएगी, ये वाली और ये वाली चीज़, तो ये हो गया एक्स ही, एक्स ही आर और ये आपके पास जेड। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और इधर भी अगर ये देखें हम, ये जो फेज़ डिफरेंस या फेज़ एंगल जो था वो यहाँ पर बनता था इसका फाई इस वाले में, ठीक है। तो इसमें कहाँ बनेगा, ये इस साइड बनेगा, ये आर के साथ बनता है, इधर बनेगा, क्लियर। तो देख लो यहाँ से आपको साफ ही पता चला होगा एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस है, सेम वही है सब, ठीक है। अब देखो जेड का आपको पता है इम्पीडेंस में फॉर्मूला LCR में क्या था, ये वाला था। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, XL जीरो हो जाएगा इसके केस में, तो अगर XL जीरो है तो देखो जेड कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस एक्स ई का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, माइनस एक्स ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स ई और इसका स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। जैसे मान लो माइनस टू का स्क्वायर करते हैं हम, तो कितना आता है, टू टू ज़ा फोर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसे करते हैं। देखो माइनस टू इंटू में माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, और टू टू ज़ा फोर, इस तरीके से। तो यहाँ माइनस तो ख़त्म ही हो जाएगा और ये प्लस का आर स्क्वायर, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो जो इम्पीडेंस है यहाँ पर ये हमें पता चल गया, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल बन गया इसका, और जो जेड है हमारे पास ये आ गया इसका एक्स सी का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, सिंपल कहानी है, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम इसका फेज़ एंगल या जो फेज़ डिफरेंस वाला फाई है वो निकाल लेंगे। ये कैसे निकलेगा, टेन फाई, ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है एक्स सी और बेस क्या है आर, तो हम इसमें लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, एक्स सी बाय आर, और अगर आप फाई निकालना चाहते हो तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी बाय आर, क्लियर। ऐसे ही आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, बड़े सिंपल सी बातें हैं। पावर फैक्टर कैसे निकलता है, कोस से, कोस फाई, कोस फाई, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें भी क्या है आर है और हाइपोटेन्यूज इसमें भी क्या है जेड है, क्लियर है, चीज़ें समझ रहे हो क्या है, ठीक है। वही है रिजल्टेंट वोल्टेज भी इसमें निकाल देंगे हम। देखो रिजल्टेंट वोल्टेज किससे निकलती है, ये हमारे पास वी, देखो यहीं से समझ लो, ये LCR का था हमारे पास, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, एल ज़ीरो हो जाएगी, वी एल ज़ीरो, माइनस वी सी का स्क्वायर बचेगा, माइनस वी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का वी सी का स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारे पास, वी आर का स्क्वायर, ये बचेगा, बताओ आ रहा है समझ में। उसके बाद अगर करंट निकालना होगा हमें, तो करंट कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू में वोल्टेज वी हो गया और नीचे आर आता है, आर की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, जेड, क्योंकि इम्पीडेंस ही लेंगे पूरे सर्किट में, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जेड, तो ये वी बाई जेड आ गया, क्लियर है, कर लोगे ये सब, बहुत ही सिंपल सी हैं बातें, ठीक है, बेसिक सी बातें थी, तो ये अच्छे से आपको समझ में आई है, तो न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएंगे आपके, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।